अस्सलाम वालेकुम, अल्लोर न्यूज के साथ मैं हूँ अरसलान आबद। वादिया बना के अजीम सपूत एसएसपी कोटली ऑफिस के हेड क्लर्क मोहम्मद अरशद के जवां साला बेटा कैप्टन अकील अरशद, जो के गुज़िश्ता दिनों दीना के मुकाम पर कार हादसा में शदीद जख्मी हो गए थे, गुज़िश्ता रोज जख्मों की ताब न लाते हुए जान की बाजी हार गए। उनकी नमाज जनाजा खुरेटा दिखाड़ी बाग ग्राउंड में अदा कर दी गयी। नमाज जनाजा में पाक फौज के अफसरान, आजाद कश्मीर के वज़रा, सियासी और समाजी शख्सियात, वकला, सहाफियों और अवामी इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौका पर ताजीती रेफरेंस से पाक फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद फैसल का खिताब करते हुए कहना था कि कैप्टन अकील हमारी यूनिट के मिसाली और बहादुर अफसरों में से थे। मेरे साथ दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में शामिल रखे, मैंने उन जैसा बहादुर जिम्मेदार अफसर आज तक नहीं देखा। कैप्टन अकील हमारी यूनिट के मिसाली और बहादुर अफसरों में से थे। मेरे साथ दीर के पहाड़ों पे और दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में शामिल रहे और मैंने इन जैसा बहादुर जिम्मेदार अफसर आज तक नहीं देखा। ताजीती रेफरेंस से साबिक वजीर खजाना राजा निसार अहमद खान, साबिक वजीर सेहत मोहम्मद रफीक नैयर, डीआईजी मीरपुर डिवीजन सरदार गुलफराज खान, उम्मीदवार असेंबली हबीबुर रहमान आफाकी, प्रोफेसर मोहम्मद जुल्फकार जाहिद, प्रोफेसर अब्दुल्ला ताहिर और दीगर ने भी खिताब किया। मरहूम के लिए अल्लाह के हुजूर बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गयी। बाद अज़ां उन्हें मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट alnoornews.tv। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए अलनूर न्यूज़।